हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू राग। तो अभी हम जिस राग के बारे में बात करेंगे वो है राग आसावली। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका थाट। तो इसका थाट भी आसावली है, यानी आसावली थाट से जन्मा हुआ राग है। उसके बाद हम बात करेंगे बादी, यानी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वर ऑफ द राग, जो कि इस राग में है ढा। इसके बाद हम जानेंगे इस राग का समाधि, यानी द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वर ऑफ द राग, जो कि इस राग में है ग। इसके बाद हम जानेंगे इस राग के विकृत स्वर, जो कि ग, ध और नी है। इस राग में ग, ध और नी स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं, शेष सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे वर्जित स्वर। तो इस राग के आरोह में ग और नी स्वर वर्जित है, यानी इस राग के आरोह में ग और नी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद हम जानेंगे इस राग की जाति। तो इस राग की जाति है औडव संपूर्ण, यानी कि इस राग के आरोह में पांच और अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे इस राग का गायन समय। तो इस राग का गायन समय है दिन का दूसरा प्रहर। इसके बाद हम जानेंगे इस राग का आरोह, जो कुछ इस तरीके से है सा रे मा पा ध सा, और अवरोह जो भी है सा नी था पा मा पा धा मा पा ग रे सा। इसके बाद इस राग की पकड़ कुछ इस तरीके से है मापा ध मापा ग रे सा। होप आप सभी को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया हो, एंड थैंक यू एवरीवन।